स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ही यूजफुल होने वाला है, उन भाइयों के लिए जो भाई जॉब सर्च कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10th, 12th या ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, जो कि IIBF है, वहां से आप एक कोर्स कर सकते हैं जो कोर्स मात्र एक हफ्ते का ही है, मात्र एक हफ्ते का कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से जॉब पा सकते हैं, जिसमें आपकी स्टार्टिंग से सैलरी आपकी 15K से 50K तक रह सकती है। तो दोस्तों, ये कौन सा कोर्स है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, कि इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ से काफी सारे फाइनेंस से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। अभी दोस्तों, मैं जिस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक छोटा सा कोर्स है, जिसके अंतर्गत आपका केवल एक हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। अगर आप 12th या ग्रेजुएट हैं तो उसके आधार पे आपका एक एग्जाम होता है, और उसे क्लियर करके आप आसानी से किसी भी फाइनेंशियल कंपनी, जैसे होती हैं एजेंसीज होती हैं, वहां पे आप आसानी से 10 से 15 हजार की जॉब पा सकते हैं। और इसमें इंसेंटिव्स वगैरह भी होते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छा पैकेज मिल सकता है। बाकी आपके काम पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, आप कितना इंटरेस्टेड हैं काम को लेके। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काम के पैसे मिलते हैं, तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो फ्यूचर में काफी सारे चांसेस रहते हैं आपके ग्रो होने के, जिसके आधार पे आपका बहुत अच्छी ही एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, इसमें मैं जो बताने वाला हूँ सारा तथ्य के आधार पे है। आप आसानी से और बहुत ही कम समय में, अगर आपको जॉब की तलाश है तो आप यहाँ से एक जेन्युइन जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों, इस फील्ड में ना जॉब की कमी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद में आपको जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनियां आपको खुद ही सर्च करेंगी, ढूंढ के आपको मिल सकती है जॉब बहुत ही अच्छी। दोस्तों, तो क्या कोर्स है, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा देख पा रहे हैं, हम गूगल क्रोम पे ओपन कर लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस .org। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप क्लिक करके आप आ सकते हैं। ये डायरेक्ट दोस्तों देख पा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये कोई फेक नहीं है। यहाँ से आप DRA, डेब्ट रिकवरी एजेंट का एक कोर्स होता है सर्टिफिकेशन, जिसके ड्यूरेशन मात्र 100 आवर्स, मतलब 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसके आधार पे एक पेपर होता है, आपका एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन रहता है। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शनल रहते हैं। एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 आंसर दिए होंगे, एक करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है, टिक करना है। एग्जाम दोस्तों इसका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एग्जाम देखिए, सेम टाइम इसका रिजल्ट भी आ जाता है। आपको 50% से ज्यादा आपको ऑप्टेन करना होता है। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपको 50% अचीव करना होता है। बहुत ही आसान सा रहता है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे के एक ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर करके और एक अच्छी सी जॉब पा सकते हैं। क्योंकि काफी सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो लोन प्रोवाइड करा रही है, फाइनेंस से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, इतनी सारी बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं, वो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट ड्यू रहता है उसके कलेक्शन के लिए वो एजेंट हायर करती हैं। तो वही एजेंट होते हैं जो DRA सर्टिफाइड होते हैं, उन्हीं को ही वो सेलेक्ट करते हैं।
अगर आपका भी मन है, आप करना चाहते हैं कलेक्शंस में, आप भी इस तरह की जॉब करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ये कोर्स करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो नीचे अगर आएंगे DRA रिगार्डिंग DRA ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट ऑफ एजेंसी हुज एक्रीडिटेशन हैज बीन कैंसल कैंसिल कर चुके हैं, यहाँ पे दोस्तों DRA ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं, ये आपका बिलासपुर लोकेशन भी मिल जाएगी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, ईमेल आईडीज भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके अगर आप बिलासपुर से हैं तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो भी कोर्स जिस टाइम होगा वो आपको बता देंगे, और कैसे एडमिशन लेना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ का एड्रेस देख के देख सकते हैं, ये जैसे बिलासपुर का है, नीचे आएंगे ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड नोएडा, यहाँ से अगर आसपास में आपके पड़ता है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। नीचे है आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से है तो ये है आपका एक जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं DRA कोर्स के लिए। आप बोलेंगे कि मुझे DRA कोर्स करना है, जिसके कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसा है, आप उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप आसानी से ये कोर्स करके और एक अच्छी सी जॉब पा सकते हैं। रही बात दोस्तों एग्जाम के बारे में, एग्जाम बहुत ही इजी रहता है, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं कुछ, वो आपको सारी चीजें एक 100 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको बता दिया जाता है। इन केस दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वायरी है, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आप कहीं अदर से भी बिलोंग करते हैं तो कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी पे करके आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम भी इसका ऑनलाइन ही होता है, तो जहाँ पे सेंटर पड़ेगा आप एग्जाम के लिए आपको जाना होगा, वो एग्जाम देने के बाद में आपका अगर 50% से ज्यादा अचीव कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप आसानी से किसी भी एजेंसी या जो भी कलेक्शन एजेंसीज होती हैं, कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें आपकी जॉब आसानी से लग सकती है। तो दोस्तों वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, मे बी आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, क्योंकि जानकारी काफी यूजफुल है, इसके आधार पे आप आसानी से एक जॉब पा सकते हैं, क्योंकि जॉब का दोस्तों इस टाइम पे काफी ही मारा मारी है, काफी ही परेशानी है, काफी लोग बेरोजगार हैं। तो अगर आप चाहते हैं कलेक्शन फील्ड में आने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है आप करके, इसमें आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोर्स करने के बाद अगर naukri.com पे भी रजिस्टर कर देते हैं तो भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वारी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, सारे जो भी आपके कंसर्न्स रहेंगे। और इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, जैसे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं या कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें अगर किसी स्पेसिफिक पे चाहिए आपको वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पे वीडियो अलग से बना दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।